बार जो मैंने आपको पोल्का डॉट पेंटिंग और थ्रेड पेंटिंग सिखाई थी, आई होप आपने ट्राई करी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी उससे क्रिएटिव आर्ट, आर्ट समझ लो, क्राफ्ट समझ लो। और उसको ज़रूरी नहीं है हम इस क्राफ्ट उससे क्राफ्ट ही करें, हम उससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम उसे कार्ड बना सकते हैं, हम उसे यहाँ तक कि हम रैप भी कर सकते हैं, गिफ्ट रैप भी कर सकते हैं। अगर आप बड़ी शीट पर ऐसे कर रहे हो, डिज़ाइंस बना रहे हो, तो आप उससे रैप भी कर सकते हो। तो आज मैं आपको छोटी सी क्रिएटिविटी दिखाऊंगी जो मैंने ऐसे पोल्का डॉट उससे करी है। मैं उसको हमें स्क्वायर में कट करना है, इसलिए मैंने जिस स्क्वायर के एंगल से मेरे को कट करना था वहाँ पर मैंने हल्का सिल्वर कलर कर दिया जिससे वो थोड़ा शाइन करे। तो अब इसको सिल्वर कलर में, मतलब इसको स्क्वायर में कट करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड करना है लाइक दिस, और अब इसको स्क्वायर में कट। ज़रूरी नहीं है आप इस पोल्का डॉट पेंटिंग को, ये जो आप पोल्का डॉट अगर आपको करना है, ज़रूरी नहीं है आप इस पोल्का डॉट को करने से, मतलब स्क्वायर कट करने से पहले करो, आप इसको स्क्वायर कट करने के बाद भी कर सकते हो। तो इसको अभी संभाल के रखना, इसको थ्रो नहीं करना। तो वैसे ट्रायंगल में फोल्ड करते हैं पिनव्हील बनाने के लिए, क्योंकि तो आज हम लोग पिनव्हील बना रहे हैं। और पिनव्हील बनाने के लिए हम इसको ऐसे फोल्ड, थोड़ा इधर उधर हो गया तो उसको नीटली कट करना है। उसके बाद इसको फोल्ड टाइट अच्छे से करना है। उसके बाद ऐसे करने के बाद मैं को इसको दूसरी साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड कर सकते हो आप, मार्क कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आई प्रेफर फोल्डिंग। अब इसको यहाँ पर ऐसे फोर डॉट्स लगाकर मार्क कर लेना, ठीक है। अब जहाँ तक हमने फोर डॉट्स बनाए थे ना, वहाँ पर सिजर की हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे, सिर्फ जहाँ तक हमने डॉट बनाया। सजा यूज करते वक्त थोड़ा इसमें ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें एकदम सीधी लाइन काटनी है। आप पहले इसको वेस्ट पेपर से ट्राई करो, उसके बाद अब इसको उससे कर सकते हो, फेयर पेपर से या जिससे भी आपको करना है। तो बस अब यहाँ पर हमें ग्लू लगानी है बीच में, और किसी भी पुराना पेपर जैसे मैंने छोटा सा कट करा हुआ था, वो जो वेस्ट हो गया था, इससे मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। ये वाला साइड लेकर, इस साइड को लेकर मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, फिर ये वाला साइड लेकर इसको पेस्ट कर देना है, फिर ये वाला साइड लेकर पेस्ट कर देना है, फिर ये वाला साइड लेकर इसको भी पेस्ट कर देना है। तो थोड़ा पेस्ट हम ग्लू की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, थोड़ी सी ग्लू डालकर इसको पेस्ट कर रही हूँ, और ये इसको बीच में से अपने फिंगर की से कर रही हूँ। अब बीच में लगाने के लिए मैं कुछ बनाऊंगी, तो जब तक ये सूख रहा है इसके बीच में लगाने के लिए बनाते हैं। तो अभी इसको मैं साइड में रखती हूँ, और इसके ऊपर आप चाहो तो कोई भारी वेट डाल दो, जैसे मैंने फेविकॉल की वो डाल दी है वाटर। अब हमें इसको थोड़ा छोटे में कट करना है ऐसे, और थोड़ा हम इस पर, थोड़ा हमें इसको ऐसे छोटा कट कर देना है। उसके बाद बस ये वाला लेकर हमें इसको ऐसे 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 ज़िगज़ैग में करना है। ज़िगज़ैग में करने से हमारी पोल का डॉट दिखेगी डिजाइन। भले अगर आपको ना दिखे पर फिर भी बहुत सुंदर लगेगा ना। अब
उसको हम स्टेपलर से स्टेपल करेंगे। तो ये मैंने स्टेपलर से इसको स्टेपल कर दिया। अब इसके बाद बस इसको हल्का हल्का ओपन करेंगे जिससे हमारा ये पोल्का डॉट डिजाइन दिखेगा। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखो कितना प्यारा बो बन गया हमारा। तो इसको यहाँ पर एक साइड में रखेंगे अच्छे से, उसको गोल घुमा के इसे निकालेंगे और इसको बीच में ग्लू तो लगी नहीं है वैसे, पर एक ड्रॉप फिर भी मैं ग्लू लगा के इसे अच्छे से क्योर हुए और इसको पेस्ट करेंगे। फिर बन गया हमारा पेन व्हील। अब मैं आपको दिखाती हूँ और कुछ पेन व्हील आइडियाज। तो ये मैंने पेन व्हील बनाया थ्रेड पेंटिंग करके, ये थ्रेड पेंटिंग करी है मैंने और यहाँ पर मैंने कलर कर दिया था। फिर ये मैंने बनाया है मिनी पेन व्हील जिसपे मैंने इस साइड पर वो करा थ्रेड पेंटिंग करी और बीच में ऐसे करके एक मेरे पास बीट पड़ा था वो लगा दिया। और मैंने ये आपको लग रहा है टूथपिक है, ये टूथपिक ही है और इसको मैंने टेप से अटैच कर दिया क्योंकि मेरे पास कोई आइसक्रीम स्टिक नहीं थी और ऐसी मैंने पिन में भी बनाया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।